कथा प्रारंभ होती है। आइए पवन यहां से रामलीला की प्रस्तुति की जा रही है। सकली कहे काबे हो जो जानकी जी प्रतिदिन पूजा करने के लिए आती हैं। प्रभु अब यहाँ से आगे हम नहीं जा सकते, आगे जनानी जोड़िया है, हम आगे चौराहे पे मिलेंगे आपको और आप पूरे नगर की शोभा देखेंगे। यहाँ तक जी हम यहीं तक है, आप जा सकते हैं आगे थोड़ी दूर और नहीं, हम नहीं जाएंगे। हमारी कोई माँ है, कोई बहू है, बेटी है, कोई भाई की पत्नी है, कोई बेटे की पत्नी है, तो इसलिए हम नहीं जा सकते, आप जा सकते हैं। अच्छा, हम जा सकते हैं आगे, जनानी जोड़ी आगे मिल जाना हमें जरूर। देखा हेलो, अरे देखा ने नगर देखा
कहिए बहन। हमारे नगर में तो राजकुमार आए हैं। अच्छा, और वो अति सुंदर है, चलो हम भी देखेंगे कितनी सुंदर। चलो, और चलो री बिलो की देखें कैसी है ये सुंदर जोड़ी। चलो री बिलो की आगे कैसी है ये सुंदर जोड़ी।
से की कही ये दोनों राजकुमार अयोध्या पति राजा दशरथ के पुत्र हैं ये हाँ इनकी बाल हंसों जैसी जोड़ी है हाँ मोनी कौशिक मख के रखवारे जिन रन अचरज निसाचर मारे ये प्यारी सखी हाँ इन्होंने हमारे जो मुनि महाराज हैं हाँ उनके यज्ञ की रक्षा की है और ताड़ का सुबाहु मारिच जैसे राक्षसों का इन्होंने ही वध किया है हाँ प्यारी सखी और इन्होंने ही अहिल्या का उद्धार किया है राधे अरे कौशल्या सुत सो सुख कहानी अरे नाम राम धन सायक पानी हे प्यारी सखी जो आगे चल रहे हैं ना हाँ इनका राम नाम राम है और इनकी माता का नाम कौशल्या है सही कहती हो प्यारी सखी अरे गौरी किशोर इनका नाम लक्ष्मण है और इनकी माता का नाम सुमित्रा है अरे पिपर काज कर बंदी तो देखने के लिए आए हैं और जो हमारे महाराज सीता का स्वयंवर कर रहे हैं उसकी शोभा देखने के लिए आए हैं और सुनो अरे देख राम छब कोई ना कहे जोग जान जोग जान की ये पर आए और सुनो हाँ सर तेरा मन तो ये कहता है ये जो सामने शरीर वाले हैं, जो महाराज की पुत्री हैं जनक नंदिनी ये उनके पर योग है बहुत सुंदर ये तो सही बिल्कुल बहुत सुंदर धन्यवाद जो सखी इने को देख नर नाहू जो अगर इन्हें महाराज ने देख लिया तो अपनी प्रतिज्ञा को छोड़कर इनके साथ में सीता जी की शादी कर देंगे जी बात सही कह रही है अरे सखी परंतु पन राउ न तजई विधि बची हट अविवेक न भजई एक बात मैं बताऊं बताओ हमारी जो जानकी जी हाँ हम तुम तो वैसे ही नियत खराब कर रही है जोड़ी तो उन्हें की सही रहेगी और छोटे बारे मेरे नाक और बहना हमारी जो नैन है वो खाएगा ही और क्या सुनो सखी और रच ना रच जाए विधाता की और इस जोड़ी पर बलहारी हो ऐसे मनमोहन
सोहन की सीता सुकुमारी दुल्हन कभी फिर हम सबके हैं धन्यवाद दर्शन हो जाए कभी कभी ऐसा ही अब हो विधाता ऐसा ही अब हो टूटे प्याओ हो मंगल चार हो ऐसा ही अब हो विधाता ऐसा ही अब हो चुप जा हुआ चलो मेरी बुआ बुआ जी बता फूफा हमारे 10 साल है हो गई इच्छा पूरी आपकी हो गई भैया बाजार देख लिया जहाँ धनुष का महोत्सव है वो भी जगह देख ली राजा के महल देख लिए हो गई उच्चा पूरी तो चले चलो भैया इस तरह से श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण सारी शोभा को देखकर गुरु जी के पास चल देते हैं और क्या करने लगे बोलो मुनि पर हाँ गुरुदेव वो इच्छा पूरी हो गई भैया लक्ष्मण की राम और लक्ष्मण गुरुदेव की सेवा करने लगे लेकिन गुरुदेव बार बार कहते हैं कि जाओ विश्राम करो राम लक्ष्मण अब आप विश्राम करो थोड़ा आराम कर लो अब आपने बहुत हिम्मत की है मेरी नहीं बहुत काफी है कर लेंगे विश्राम थोड़ी सेवा सेवा होती है आप अब आराम करो और इसी बीच श्री रामचंद्र जी विश्राम करने से पहले उठ जाते हैं अरे उठे लखन जी में बिगति सुन यार अरुणा सिख दुलकार अरे गुरते अधिकी पहले और सुबह होते ही समय को देखते हुए बगिया में फूल लेने के लिए पूजा के लिए जाने लगे समय ही जाने बोरो आया सुपाई समय जाने गुरु आया सुपाई
समय है पूजा प्रारंभ करूंगा। आप बगीचा के लिए जाओ और पूजा के लिए पुष्प लेकर के आओ। पूजा के लिए पुष्प लेकर आए गुरुदेव, जैसी आज्ञा आपकी। ठीक है बेटा, जाओ दोनों भाई। इधर से दोनों भाई पूजा के लिए फूल लेने के लिए जा रहे हैं। उधर से इसी अवसर को देखते हुए माता लक्ष्मी, हे भैया तो इस बगीचा में कोई है भैया? हाँ हम हैं। अच्छा, लेकिन तुम कौन हो? कवन तुम्हारो नाम है? कवन तुम्हारो काम? कवन पठाए सुबन हित सच सच करो बयान। हे भैया, राम हमारो नाम है, आयो अवध हमारो धाम, गुरु पठाए सुमन ने सच सच करे बयान। देखिए प्रभु, आप पुष्प लेने के लिए आए हैं? हाँ भैया। यहाँ ये जनाना बगीचा है। जनाना? हाँ। अच्छा, और माता जानकी जी यहाँ आती हैं पुष्प पाटका में, तो यहाँ पे एक शर्त है, फूल जब तोड़ सकते हो तो। कौन सी शर्त है भैया? एक जयकारा लगाना पड़ेगा आपको, दोनों भाई बोलेंगे मेरे साथ। पहले बताओ कैसा जयकारा लगाना है? जानकी मैया की, बोलो दोनों भाई, बोलिए जानकी मैया की। जानकी जी के आने का समय हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी नौकरी छूट जाए। ऐसी बात कर रहे हो, नजर मत आ रही हो। ऐसी बात कर रहे हो, हमें आपकी नौकरी खाने से कुछ मिल जाए क्या? हम नहीं करेंगे ये, बिल्कुल चिंता मत करो, फूल लेके हम चले जाए। निकल जाइयो। आप जाओ और फिर ये पूजा के लिए
जो आ गया अभी गई। एक सखी सी संग बिहाई, एक सखी संग बिहाई गई रही देखन फुलवाई, तेही दो बंद बिलो के जाई प्रेम विवश सीता पही आई। हे प्यारी सखी, ये क्या हुआ तुझे, क्या हाल है तेरा, क्यों बार बार पटके खा रही है सखी। कुछ वादा है या पीड़ा है और सदमा है या दिखाई देता है और सुन लो प्यारी। अरे मेवारी मेरी
कौन मुझे दिखा दे यारी सखी कही इसका मतलब पता और दिखा मुझे क्या है जो सुनो और जो राज तुम्हारे बाद में ही मिल गया भैया लक्ष्मण ओ भैया मुझे एक अजीब सा आभास होता है ये लक्ष्मण बड़ा अचंभा है सारा उपवन झंकार उठा छा गई सरस्वती कमलों पर भंवरों का दल चारों ये भैया मेरे अंदर से कैसी आवाज निकल रही है सुंदर शब्दों को सुनकर ये भाषित होता बढ़ाता है दुध भी बजाकर काम देव दुनिया पर चढ़ता जाता है जिस मन ने सदा नारियों को जिस मन ने सदा नारियों को माँ बहन बराबर समझा है उस मन की आज दशा क्यों ये होता मुझे अचंभा जिन कानों ने उपदेश सुने हे भैया जिन कानों ने उपदेश सुने उनके अब रंग निराले हैं जो नैन नजीले रहे सदा वो किसे देखने वाले ये भैया मुझे ऐसा आभास होता है मेरा मन कह रहा है कि आज किसी से मेरी मुलाकात हो सकती है ऐसा मैं महसूस कर रहा हूँ चलो भैया आगे कर बढ़ो लता ओट तब सखने लखाए श्यामल गौर किशोर सुहाए देख लो सखी कितने सुंदर दो राजकुमार हाय भैया धरी धीरज आली सयानी चलो सीता सन बोली गए पानी सखी चलो क्यों हम तो ऐसे ही चले जा रही है नहीं सखी जरा धीरे मालूम है चक्कर चल रहा है
हे भैया लक्ष्मण भैया मिथिला नगरी का धनुष यज्ञ उसका ही आज महोत्सव है विविध कार्य चमत्कार सब इसका ही वैभव है। जो माया अंग फड़कता है कुछ नहीं समझ में आता है छुपा हुआ जो भी रहस्य ईश्वर इसका ज्ञाता है। पर हम सुखदेव की सुंदर कन्या को भैया अपना ये धर्म नहीं हम देखी सुंदर कन्या को ए भाई शीघ्र चलो यहाँ से हो रही देर पूर्व पूजा को। चलो भैया चलते ये सखी चलो हाँ तो बालक बच्चे रो रहे उनके अरे नहीं बालक बच्चे बेचारी सखी जरा धीरे चलो खड़ी तो रहो जरा सखी खड़ी तो रहो जरा मेरा तो जी घबराता है। हरी जय 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 गिरिराज किशोरी जय महेश मुखी चंद्री चकोरी। ये गौरी माँ सीता तुझे प्रणाम करती है माँ। जय जय जगजननी जगदम्बा जय संडासन की माता जय सदा भवानी कल्याणी जय सर्व मंगला वरदाता तुम शिव मुख चंद्र चकोरी हो अर्धांगिन हो विश्वेश्वर की अंतर्यामिन से प्रकट कि तू भात बात और अंतर की। हे माँ मैं अपने अंदर की बात तुमसे क्या प्रकट करूँ माँ तुम हर बात जानने वाली हो हर मन को पहचानने वाली हो माँ तुम्हारी जय हो माँ तुम्हारी जय हो। सुफल मनोरथ हो तुम्हारी राम लखन सुन भई सुखारे। ए बेटी ए। ओ सुखारा बताया है बेटी ओ प्रत्यक्ष पाओगी इसी स्वयं पर बेटी बापन का वर्तो पाओ। जय हो माँ की जय हो।